हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम एक्चुअली संडे राइड पे जा रहे हैं। ये हमारी बिल्कुल शॉर्ट राइड होने वाली है आज। और आज हमारी प्लानिंग है कि हम लोग जाएंगे संजेवन, विच इज कॉल्ड एज टंकुश, यू नो। एंड मैं अभी ऑफिस का वर्क करके निकला हूँ और बस मैं पहुँचने वाला हूँ। अभी मेरे को फटाफट जाना है, और क्योंकि वहाँ पे गौरव भाई जो है पहले से वेट कर रहे हैं और निशांत भाई पहुँचने वाले हैं। तो निशांत जो है हमेशा लेट आते हैं, बट गौरव हमेशा टाइम पर आते हैं। तो हमारा 5 से 6 बंदों का ग्रुप है। तो अभी मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पहुँचूँगा, और आप जब तक रास्ता इंजॉय करो। मेरे राइट हैंड साइड पे तिहाड़ जेल है, और अभी मेरे पास मेरे सामने दिल्ली कैंट और लाजवंती गार्डन का पुल आएगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मैं यहाँ पे हमेशा मैं ड्रैग करता हूँ, और मैं ट्राई करूँगा यहाँ भी वो ड्रैग हो जाए, बट मेरे को दूर से कार्स दिख रही हैं, देखो क्या होता है। क्योंकि दिल्ली कैंट पर ना अच्छा लगता है, जब अच्छा नज़ारा आता है ना, बट मैं ड्रैग कर नहीं पा रहा हूँ, यहाँ बाइक लोड ले रही है मेरी। तो सूरज भाई सब आ गए हैं, बिल्कुल अच्छा व्यू हो रखा है। और मैंने अभी ये गोप्रो लिया है, गोप्रो 10, और मेरे पास एक DJI का गिम्बल भी है, बट उसका मैं ज़्यादा यूटिलाइज कर नहीं पा रहा। बट गोप्रो का मैं सोच रहा था कि काफ़ी इजी टू यूज़ है, और मैंने जब लिया और मैंने देखा तो ये काफ़ी इजी टू यूज़ है, और मैं अच्छा अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ उसको। वो जगह नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही, चल 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 तेज तेज और तेज हो यार, जगह नहीं मिलती ना, मजा नहीं आता। इधर अच्छा सा लगता है, मतलब ये रोड एकदम न्यू भी क्रिएट कर दी है, बट दिल्ली कैंट से ना पता है अलग सा नाता सा लगता है, मतलब वहाँ पहुँच के ना अलग से फीलिंग आती है। एक तो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पर देखने को मिलता है उन सबको, मज़े आया था। तो क्या मज़ा है यार, ये मतलब देखो मस्त वाला यहाँ पे, और इतना ठंडा हो जाता है ना यहाँ पे आते ही, फैन था भी नहीं है। चलना हटो हटो सर, मज़ा आ जाता है यार ड्रैग करके। अब हम यहाँ से सीधा नहीं जाएंगे, हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। पता नहीं अंकल कहाँ जा रहे हैं। ये चलो से डराते, डर तो गया ही होगा। खैर ये हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक होता है, चाहे सुबह हो चाहे रात में आऊँ, चाहे अंधेरी रात में आऊँ, मैं हमेशा यहाँ से शॉर्टकट ले लेता हूँ। बट हाँ ध्यान रखेंगे पुलिस वालों का ना हो, इतनी सुबह तक घर नहीं मिलेगा, बट फिर भी चलो लिए जाएँ ताकि अच्छे से गाड़ी चला जाएगी। और चलो तो गाइस मिलते हैं अब हम सीधा गौरव के पास, और यहाँ पे मैं आपसे थोड़े टाइम के लिए विदा चाहूँगा।
सॉरी गाइस मैं बैक आ गया। तो मेरे को ये बच्ची को डराने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। अभी मैं इसको डराऊंगा, देखो इसकी बुड्ढी घूम इसको डराएंगे। चलो भाई, पता नहीं वो अंडर पास था आता ना, वो अलग सी फीलिंग्स है। तो मैं वापस आ जाया जाए और एक बार ही ड्रैग कर दिया जाए। और इसकी बाइक ना, एक्चुअली मैं बताता हूँ, अपनी मैंने अपनी बाइक में, मेरा जो है 2020 का मॉडल है, और मैंने दो साल बाद हाँ मैंने इसमें KNN का फिल्टर लगाया है ओरिजिनल। तो इसकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी आ रही है, और मैंने ये टूलबॉक्स से लिया था। काफ़ी अच्छी लाउड आवाज़ है, मतलब मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने एग्जॉस्ट लगा रखा है क्या, बट ऑब्वियसली इसका एग्जॉस्ट है, बट फिल्टर से आवाज़ ही ऐसी आ रही है कि कुछ कहने की हाजिर नहीं है। मतलब बहुत ही क्लियर आवाज़ आती है एकदम परफेक्ट। मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा, इनफैक्ट मेरे जो देखा आपने क्या बोल, तो मेरे जो अपने दोस्त हैं जो मेरे साथ राइड करते हैं, वो भी थोड़ा सरप्राइज हो गए थे ये देख के कि इतनी लाउड आवाज़ आ रही है। और जब मैं ये व्लॉग तो अब डाल रहा हूँ, बट जब मैं वापसी आ रहा था तो मैं उसका व्लॉग नहीं बना पाया। बट एक अंडरपास जब आता है जो हमारा एयरपोर्ट से आते रहता है, तो वहाँ पे एक ड्यूक राइडर मुझे मिला था। तो उसका KTM 200 थी, और उसने क्या किया, वो भी कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा ड्रैग करा। तो कह रहा भैया आगे जाके हमने बात करी, मतलब मैंने उसको कॉन्टैक्ट करा, हमने बात करी, एक्सचेंज वगैरह हुआ नंबर। बट ही मेंशन की योर बाइक इज यू नो वेरी लाउड। तो आई वाज लाइक ओके, तो कहता है कि यार मेरे को भी ये चीज़ करवानी है। तो ही वाज सरप्राइज लाइक यू नो लाइक इट्स 155 cc बाइक एंड इट्स वेरी लाउड। खैर मज़ा तो आता है। अभी मैं उसमें ये है कि थोड़ा सा टॉप एंड नहीं छोड़ी, इट्स रियली गुड यू नो लाइक आई एम एबल टू गेट अ लाउड वॉइस, इट्स लवली। हम सब यही पे जाते हैं। So a few days back we had a good shopping. We have spent around like you know 50,000 and we have shopped good stuff from Chopra in Karulbagh. और वहाँ पे अच्छा रहा, अच्छी shopping हुई, और हम उसके बाद plan out नहीं कर पाए trip, but अभी देखते हैं future में कैसे रहता है। We'll see. चलो हटो हटो गाइस, मैं लेट हो रहा हूँ। गौरव वहाँ पे पहुँच चुके हैं और निशान तो एज यूजुअल लेट आएंगे, बट फिर भी धूप हो जाती है ना, बाइक नहीं चलाई जाती यार। और आज मैंने गियर भी पहना है, बिना गियर के मैं निकल आया हूँ, क्योंकि आज मनसा नहीं हो रहा था। बिकॉज इट वॉज अ शॉर्ट राइड, सो आई यू नो देन वॉन्टेड टू यू नो वियर इट, बिकॉज काफ़ी ना एक तो पसीना बहुत आ जाता है यार, उस वजह से बहुत लूज ही चलती ना, तो उससे देखो ठंडा गर्म हो जाता है, नो वाई। और यहाँ से हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट वाला कट, तो सॉरी सेकंड पे कट। यहाँ पे आगे ना बचपन में बड़ा कंफ्यूज हो जाता था ना कि कैसे नहीं, कैसे मिलेगा रास्ता, कैसे मिलेगा। अब मंजिल होती है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। चलो इसको ट्राई। तो यहाँ पे जो है हमेशा ट्रैफिक लगा होता है, अगर आप दोपहर के टाइम आओगे तो हमेशा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे। खैर ये जगह से मुझे अलग ही प्यार है, पता नहीं आई है ना आगे ना पॉश सी फीलिंग आ जाती है। यहाँ घर इतने प्यारे बने हैं, राइट हैंड साइड पे क्या ही बताऊँ यार मैं, मेरे सामने ये पूरा डेवलप्ड हुआ है बहुत ही। अरे यार रास्ता ख़राब है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा दिल्ली हाट पड़ता है, और मैं आया हूँ यहाँ पर एक दो बार। अच्छी जगह है, इट्स नाइस प्लेस टू बी। और ये गौरव मुझे यहीं से दिख गया, और मैं जाके उनके पास
थोड़ा सा बैक करते हैं। चलो यो ब्रो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। फाड़ लग रहा ये देख रहा है, ये मच्छर। ओहो, तो हम शांत आ चुके हैं और हम पहुंच गए हैं संजय वन। पता नहीं, मैं हमेशा आगे ही पहुंच जाता हूँ, फिर मुझे रुकना पड़ता है। यही नहीं तो बस वो वही है, फिर तो शौक है भाई राइडिंग का, एक से एक। हम तो फिर भी सोचते रहते कैसे करें, वही है ना, एक तो हमारी जॉब अलाउ नहीं करती लंबा जाना, ऊपर से फोटो भी उसी खींचना, इसलिए वो वीडियो बना कि चलो कोई नहीं इधर से इधर। हां मैंने वीडियो बना कर सकते हैं, क्यों डाले एक्शन के। हेलो निशान भाई, हेलो, बड़े दिनों बाद आप वापस आ गए। बहुत बढ़िया, बड़ा हाथ मारा है। मेरे को ले, मेरे को वीडियो में ले, ये ले। तो यहाँ पे हमने खाना एंजॉय कर लिया और अब हम वापस जा रहे हैं। इसकी बाइक का एग्जॉस्ट अलाउड है, मजा आएगा मेरी बाइक का। So he is Abhishek and he owns this Apache and he has a, you know, Akapo which exhaust in this bike and lovely. Try कर तुम्हें कोई shots आते हैं। मैं try करूँगा next video, बहुत अच्छी बने comparatively, but ये भी best ही है। So मैं यहाँ से try करूँगा, अगर ये लोग आ जाए यहाँ पे एक shot निकल जाए थोड़ा सा। ओहो, देखो style मारते हैं लोग। तो मुझे जो एक्सपेक्टेड है, मैं ये बिलीव कर रहा हूँ ये लोग अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं फोटो खिंचवाएंगे और ज़रूर, क्योंकि मेरे से शूट तो करवाते ही हैं। सो आई एम अ फोटोग्राफर, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ बियॉन्ड अंडरस्कोर योर एक्सपेक्टेशन एंड यू विल फाइंड इट गुड एक्चुअली, यू नो। अरे देखो कितनी प्यारी लग रही है यार, लीन होते हुए वाओ। तो हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे, आई बिलीव अभी ये लोग फोटो के लिए, क्या कह रहे निशान भाई? अच्छा चलो गाड़ी घुमाई जाए और फोटो के लिए। अरे कितना अच्छा लग रहा है ये पत्ते गिरते हुए ना। फोटो के लिए हम जाएंगे और ये अच्छा ऐसे लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं राइट में ले लेता हूँ, राइट से मैं सीधा ही बैक करके लगा लूंगा फिर, और क्या। चलो चलो चलो, पहले हम सोचते थे ये ऐसे बाइक्स होंगी और अब यू नो आई ओन दिस बाइक एंड यू नो आई हैव अ ग्रुप, सो इट्स रियली लवली एंड ऑनेस्टली आवर ड्रीम्स कम ट्रू एक्चुअली। ये अभिषेक, अभिषेक ने अभी जिम छोड़ा हुआ है खैर, बट ही लुक्स गुड ऑन हिज बाइक यू नो। कभी कभार मुझे बड़ा सा लगता है अपनी बाइक पे,
गौरव भाई की बाइक भी अच्छी है, देखो इतना प्यारा लग रहा है। ओहो चारों बाइक्स, मेरे को पता नहीं मेरी बाइक अलग सी नजर आती है, यू नो बिकॉज ऑफ इट्स शाइन और मे बी इट्स कलर। सो मैंने ये ट्राई करा कि सिनेमेटिक शॉट आ जाए यहाँ पे। तो अब हम घर की तरफ चल दिए हैं। We had a good time, so we will do a little drag here. So everybody, if you really appreciate the efforts, please try to make sure you share this video, and we'll share good videos and scenic views in further videos, and it's gonna be lovely journey. Thank you so much.